तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देन अपलोड अ वीडियो। सो या बेसिकली अभी जो है सिचुएशन ऐसा कि मतलब मुझको उतना टाइम नहीं मिलता गाड़ी को लेके निकलने के लिए उसके ऊपर वीडियो। और सेकंड थिंग मतलब पांच के ऊपर जो जो चीज़ था मेरा ऑलमोस्ट सभी के ऊपर जो है मेरा नॉलेज उसके बेसिस पे वीडियो मैं दे चुका हूँ। अगर कोई भी चीज़ नया होगा तो मैं ज़रूर वीडियो दूंगा उसके ऊपर। सो बेसिकली थिंग इसकी अभी जो है क्यूबो का प्रो डैश कैम जो GPS वाला मॉडल है उसका मैंने एक यूज़र एक्सपीरियंस और यू कैन से कि एक रिव्यू मैं देने वाला हूँ। ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर मैंने ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, नियरली डेढ़ साल होने वाला है क्योंकि मेरा जो है गाड़ी ख़रीदने के 6 महीने के आसपास ही मैंने ये जो GPS वाला मॉडल है मैंने इंस्टॉल कर लिया था। सो बेसिकली थिंग इज़ कि अभी मैंने अमेजोन पे देखा जो क्यूबो का मतलब जब जिस टाइम पे मैंने लिया था क्यूबो का जो कैमरा ये वाला, इस टाइम पे एक GPS वाला मॉडल रहता था और एक जो है नॉर्मल वाला मॉडल रहता था ये वाला और एक जो है चीज़ नॉर्मल वाला मॉडल रहता था। तो उसमें और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी मैं फिलहाल 2 दिन पहले मैंने एक बार सर्च कर रहा था क्यूबो का डैश कैम। सो मैंने देखा अभी जो एक है 3D एक नॉर्मल कैमरा और दोनों में नियरली फ्रंट एंड रियर मतलब 2 कैमरा मिल रहा है। तो उसमें आप दोनों का व्यू ले सकते हो, वो एक्चुअली ज़्यादा बेटर होगा इससे। और उसका प्राइस लगभग 10-11-12 के आसपास रहेगा, मतलब अभी है प्राइस। सो अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो गो विद दिस मॉडल, मतलब जो दोनों कैमरा वाला है। और बजट का थोड़ा सा इशू है और या आप मतलब उतना खर्च करना नहीं चाहते हो सो ये चीज़ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में आपका नियरली 70-80% कम हो जाएगा। सो फ्रंट में ही मतलब ज़्यादा जो चीज़ है फ्रंट में है, तो इसके लिए आपको फ्रंट कैमरा मतलब ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप पीछे वाला जो रियर व्यू है वो आप ले सकते हो। सो थिंग इज़ दैट। और मैंने ये चीज़ 4,500 रुपये में जब 2022 पे लिया था, लेकिन अभी जो है प्राइस मैं दिख रहा हूँ 4,300-200 के आसपास रहेगा। तो ये चीज़ भी अच्छा है, अभी भी मतलब इस टाइम पे 4,200 में अगर आप GPS वाला एक डैश कैम लोगे तो, और इसका सपोर्ट भी उतना कुछ मतलब दिक्कत नहीं दिया मुझको। सो अभी मैं उसमें ही आ रहा हूँ। मेरा जो कैमरा है 1.5 साल अभी चल चुका है, सो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कभी कभी एक ही दिक्कत आता है कि कनेक्टिविटी इशू का, और मतलब कनेक्टिविटी ऐप से नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा जो है iOS का ऐप है, सो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। मुझको मालूम नहीं कि एंड्रॉयड वाला जो मतलब ऐप है उसमें भी दिक्कत होता है कि नहीं। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अभी जो कोई कुछ सवाल कर रहा था, हालांकि मतलब 1x1 मैं उतना कुछ आंसर दे नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं एक ब्रीफली जो चीज़ है मैं बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैमरा है मतलब पार्टिकुलरली दिस मॉडल इज़ सपोर्टेड 128GB SD कार्ड, लेकिन इसमें कुछ क्लासेस का कुछ डिफरेंस है। क्लास 10 वाला जो SD कार्ड है वो सपोर्ट नहीं करेगा। क्लास 30 वाला एक कार्ड आता है, सैंडिक्स का भी है, सैमसंग का भी है, कोई भी कंपनी का हो, क्लास 30 V30 SD कार्ड पे लिखा रहेगा तो वो चीज़ सपोर्ट करेगा। हालांकि मेरे पास जो है 16GB का एक कार्ड है, उसमें कुछ उतना कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट कर गया तो मैंने वो 16GB कार्ड ही रहने दिया, क्योंकि मैंने ये कैमरा लेने के बाद भी वो जो उस टाइम पे एक्चुअली अमेजोन पे भी या कहीं पर भी वो चीज़ मेंशन नहीं था, तो मैंने नॉर्मल जो ये 128GB का कार्ड ख़रीद लिया था, लेकिन वो चीज़ सपोर्ट नहीं किया। तो अभी मैं मतलब जो है 16GB पे चल रहा है तो चलने के लिए दे रहा हूँ। तो दिस इज़ द थिंग, मतलब जो भी कार्ड आप लो एक बार पहले चेक कर लो जो कौन सा क्या क्लास है, और जो V30 करके कुछ लिखा रहता है कार्ड के ऊपर वो चीज़ V30 वाला जो चीज़ है वो इसमें सपोर्ट करेगा। और सेकेंड थिंग कुछ उतना कुछ हालांकि ड्रॉबैक नहीं मुझको लगा, एक चीज़ है जॉल डिटेक्शन करके, जो पहले भी मैंने बोला था
वो चीज़ मैं हटा नहीं पाया अभी तक। और जो चीज़ है गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा हीटिंग इशू होता है, लेकिन हैंग वगैरह अभी तक कुछ नहीं हुआ है मेरे गाड़ी पे उतना कुछ, जो चीज़ है नॉर्मल चल रहा है। मतलब समर के टाइम पे भी मैंने, मतलब पकड़ के चलिए दोपहर के टाइम पे भी मैंने ये मतलब गाड़ी चलाया, तो उस टाइम पे कैमरा ऑन था, तो उसमें कुछ उतना जो है हीटिंग का इशू के लिए जो कैमरा बंद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा जो है ठीक ठाक चल रहा है तो अभी तक के लिए। सो दिस इज़ द थिंग एंड एसडी कार्ड एंड जीपीएस वाला जो चीज़ है, ये जो जीपीएस है ये जीपीएस के वजह से आप जो फुटेज है उस फुटेज में नॉर्मल सा स्पीड देख सकते हो, गाड़ी का कितना स्पीड है, कौन सा डिरेक्शन पे गाड़ी चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसा करके, और कुछ डिग्री भी दिखाएगा जे इतना डिग्री ऐसा करके कुछ। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि ये चीज़ के वजह से आप गाड़ी का स्पीड मेज़र कर सकते हो या स्पीड रिकॉर्ड होगा। सो बट ये जीपीएस के वजह से आपको, मतलब आप कोई भी मैप या लोकेशन वगैरह कुछ का कुछ होगा नहीं। और ये इस कैमरा पे एक वाईफाई है जो ये फ़ोन का क्यूबो सपोर्ट है, क्यूबो सपोर्ट में सपोर्ट मतलब यू कैन से कि कनेक्ट करके आप नॉर्मल सा फुटेज आप वहाँ से ले सकते हो, लाइव फुटेज भी आप देख सकते हो। सो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल सा रिव्यू है, ये सब चीज़ जो उस टाइम पे कुछ आदमी ने पूछा था मेरे कमेंट पे। सो दिस इज़ द थिंग, अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर भी कुछ वीडियो देने का कोशिश करूँगा, जो चीज़ अगर आप कुछ मतलब जानना चाहते हो इस कैमरा के ऊपर। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं देख रहा हूँ मतलब ऑलमोस्ट 6.5 मिनट के ऊपर हो गया। सो और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी के टाइम पे आपको डैश कैम मतलब ज़रूर लगाना चाहिए, अगर डैश कैम होगा तो आपके ऊपर कोई भी अगर ब्लेम आया जाएगा तो वहाँ से आप बच सकते हो। और ये डैश कैम के वजह से ही मेरा जो है मतलब मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट जब हुआ था, पीछे से ट्रक आके हिट किया था, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ पीछे का डैमेज ही दे रहा था, सामने का जो बम्पर पे जो है स्क्रैच आया था वो मतलब इंश्योरेंस कंपनी का रूल ही यही है, एक साइड का देगा और एक साइड का नहीं देगा, अगर FIR या कुछ सॉलिड प्रूफ होगा तो दिया है मतलब देगा। तो उस टाइम पे जो मेरा डैश कैम था और डैश कैम पे फुटेज भी था जो ट्रक आके हिट किया, तो पीछे तो मेरा कोई कैमरा नहीं है बट मेरा जो है साउंड ऑन रहता था, तो साउंड का एक मतलब जो है यू कैन से कि एक जार काया जो पीछे से ट्रक आके हिट किया और सामने से भी मेरा गाड़ी जाके ठुका, सो उसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अप्रूव किया। तो अगर आप डैश कैम लगा रहे हो तो प्राय तो आपका जो इंटरनल माइक है वो ऑन रखिएगा, क्योंकि मतलब प्राइवेसी की वजह से अगर आप ऑफ रखोगे तो कोई उसमें पीछे से कोई आगे हीट करेगा तो उसमें दिक्कत आएगा। सो दिस इज़ द थिंग एंड इसमें प्राइवेसी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टोटली ऑफलाइन प्रोडक्ट मतलब ऑफलाइन है, अगर आपके पास फुटेज रहेगा तो आपके पास ही रहेगा, ऑनलाइन कहीं पर भी शेयर नहीं होगा। सो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप गाड़ी में कुछ बात कर रहे हो तो उसका कुछ। सो दिस इज़ द थिंग, देखो सो यही है छोटा सा एक रिव्यू क्यूबो का प्रो डैश कैम GPS वाला मॉडल के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं मतलब उतना अभी फ्रिक्वेंटली वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी अभी मतलब मैनेज करना नहीं पा रहा हूँ मेरे काम से। और सेकेंड थिंग, अगर इससे ऊपर कुछ वीडियो मतलब कुछ थॉट आएगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग कुछ बोलोगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दिस इज़ द थिंग, और जो जो चीज़ था क्यूबो का डैश कैम के ऊपर मैंने हर चीज़ कवर करने का कोशिश किया, इससे ऊपर भी कोई चीज़ छूट जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर मतलब आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। सो या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।